रेस पेडल के बारे में आपको एक अजीब सी चीज बताता हूँ और कमेंट करके बताना किस किस ने ऑब्जर्व करी है। अगर आप गियर चेंज करते हो, अपशिफ्ट करते हो, मान लो अभी तीसरे गियर में है, चौथे गियर में डाली, रेस मत देना, क्लच धीरे धीरे छोड़ोगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है बिना रेस दिए, ठीक है। ये फर्स्ट केस, सुनते जाना पूरा। सेकंड केस ये है, अगर आप टॉप गियर में गाड़ी क्रूज करते जा रहे हो, मान लो की स्पीड पे गाड़ी चल रही है 60 पे चल रही है, और उस पॉइंट पे अगर आप हल्का सा रेस पैडल ऊपर उठाते हो बिल्कुल धीरे धीरे, तो भी आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। अगर थ्रोटल रिस्पॉन्स आपने कम दिया तो भी स्पीड बढ़ती है। इसकी एक लिमिट है कि स्पीड 2 से 4 km/h तक ही बढ़ेगी, और दोनों केस में 2 से 4 km/h तक बढ़ेगी। क्लच वाले में जो आपको बहुत अच्छा ये दिखाई देगा, जब शिफ्ट वाला जो केस है, शिफ्ट वाला, उसमें ये आपको अच्छे से फील हो जाएगा। और इस पॉइंट पे अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो सबसे अच्छी माइलेज देती है, और ये बात मैंने अपने कॉलेज में पढ़ी थी। कमेंट करके बताना किस किस ने ऑब्जर्व किया अपनी गाड़ी में, करना मेरे में फील नहीं होगा आपको ये।